हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट फॉर यू के अंदर। मैं हूं दिलीप चौहान। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था फायर अलार्म सिस्टम जो है, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इस पार्ट में यानी कि आज के टॉपिक के अंदर हम लोग फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक होता है फायर अलार्म सिस्टम, जैसे नाम बता रहा है फायर अलार्म सिस्टम, जो अलार्म करता है जब फायर होती है, ठीक है। एक होता है फायर फाइटिंग सिस्टम, ठीक है, अगर आग लग गई है तो फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है वो हमें कैसे हेल्प करता है उस आग को बुझाने के लिए। फिर ये जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है जिससे हम लोग आग पे काबू पा सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, फायर अलार्म सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम। बिकॉज आप जब बड़े पोस्ट के लिए, सुपरवाइजर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए जब आप इंटरव्यू करने जाओगे, ठीक है, तो इन टॉपिक्स के ऊपर आपको पूछा जाएगा, आपका फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है, फायर फाइटिंग सिस्टम क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो है वो क्या होती है, और इसका हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज के इस टॉपिक में फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फायर फाइटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फायर फाइटिंग सिस्टम जो है इसमें दो मेन चीज़ें आती है, ठीक है, दो मेन कंपोनेंट्स आते हैं। एक होता है फायर स्प्रिंकलर, एक स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है उसको एक नंबर हम लेंगे, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम को हम लोग मैक्सिमम अपने जो ऑफिस प्रमाइसेस है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे जो पारा रहता है, ठीक है, या फिर जो ट्यूब रहती है, ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर, उसको हम लोग क्या करते हैं, कलर कोडिंग के साथ में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम क्या करता है, ठीक है, मान लो एक रूफ है, उसके नीचे एग्जैक्टली नीचे आग लगी है, ठीक है। जब वो आग लगती है तो वहाँ का माहौल जो है ना वो हीट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, हीट होना स्टार्ट होता है। तो तब वो क्या करता है, जब वो सराउंडिंग एरिया, ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम आपका कैसे काम करता है, जब वो सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर आपका 68 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है, ठीक है, 68 डिग्री टेम्परेचर जब जाता है तो वो स्प्रिंकलर का जो जो ट्यूब होता है वो ब्लास्ट होता है 68 डिग्री, उसको ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। इससे एक फ़ायदा क्या है, हो सकता है एक क्लोज चेम्बर है जहाँ पे आग हाईली आग लगी हुई है और हम पहुँच नहीं पा रहे, ठीक है, वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर जो सराउंडिंग है वहाँ का 68 डिग्री हो गया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, ट्यूब जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे ट्यूब ब्लास्ट हुआ, स्प्रिंकलर लाइन के अंदर पूरा पानी भरा होता है, हमें पता है, ठीक है, पूरे पाइप के अंदर पानी रहता है। जैसे ब्लास्ट हो गया मतलब वहाँ का लाइन ओपन हो गया, तो फिर वो क्या करता है, स्प्रिंकलर आपका जैसे ब्लास्ट हो गया वहाँ से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वो सराउंडिंग एरिया कितना कवर करता है, अराउंड 3 मीटर का रेडियस जो है, ठीक है, उसका प्रेशर कितना रहता है, उसके प्रेशर से 3 मीटर का रेडियस जो होता है वो स्प्रिंकलर के नीचे का 3 मीटर का रेडियस वो कवर होता है। सो दैट उस 3 मीटर जो 3 मीटर के आसपास में जितना रेडियस में आग होगा उसके ऊपर वो पानी गिर जाएगा, जिसकी वजह से, ठीक है, वो आग जो है उस पर हम लोग काबू पा सकते हैं और वो आग जो है पूरी की पूरी बुझ सकती है, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसको ऑटोमेशन लेवल में हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली, आपको जाके फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो जो ट्यूब है वो अपने आप जैसे 68 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है फूट जाता है। ओके, तो अभी स्प्रिंकलर हो गया, अब देखते हैं फायर हाइड्रेंट सिस्टम के बारे में, ठीक है। फायर हाइड्रेंट सिस्टम कैसे काम करता है इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। फायर हाइड्रेंट सिस्टम क्या है, मान लो आपके एक 10th फ्लोर की आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, तो 10th फ्लोर पे आग लगेगा तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम हमारे कैसे काम पे आएगा, ठीक है। और ये कैसे स्प्रिंकलर सिस्टम से अलग है, ठीक है, हमने बोला कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो 3 मीटर का रेडियस में आग पकड़ती है, ठीक है। ये होने के बावजूद में, ऑटो सिस्टम होने के बाद में, फायर हाइड्रेंट सिस्टम का क्या काम है, ठीक है, उसको देखते हैं। क्या होता है, 10th फ्लोर है आपके, ठीक है, 10th फ्लोर पे हर एक फ्लोर पे, ठीक है, जहाँ पे अपना फायर स्टेयरकेस होता है वहाँ से एक फायर शाफ्ट निकालते हैं, ठीक है, हम लोग उस फायर शाफ्ट के अंदर आपका फायर हाइड्रेंट सिस्टम रहेगा, ठीक है, जहाँ पे आपका फायर होज रील्स रहती है, ठीक है, वहाँ पे आपका पाइप्स रहते हैं ताकि आप उस पाइप को लेके जितना दूर जा सको, 15 मीटर 20 मीटर के डिस्टेंस तक एक पाइप जाती है, ठीक है, अपनी वो पाइप को लेके आप मैनुअली क्या कर सकते हो, उस राइजर में जो मेन लाइन में जो पानी आ रहा होता है उसको ऑन करोगे तो आपके पाइप के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। जैसे वो प्रेशर आता है आप यहाँ पे रुक के,
ठीक है, यहाँ पे रुक के आप उस पाइप को यूज करके आप अपने से कम 10 या 15 मिनट मीटर दूर तक के आग को भी आप आराम से बुझा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर इतना प्रेशर रहता है। ठीक है, अब ये दोनों में फर्क क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम 3 मीटर रेडियस में गिरता है, मान लो वो 3 मीटर रेडियस के दूर है या फिर आग थोड़ी सी बड़ी हो गई है, स्प्रिंकलर सिस्टम लिमिटेड पानी गिराएगा। ठीक है, लिमिटेड पानी गिराएगा और सिर्फ 3 मीटर के रेडियस के अंदर, मान लो आग उससे थोड़ी दूर है जो उसके कवर में नहीं आ रहा है, तब क्या आग बढ़ेगी? लेकिन हम स्प्रिंकलर सिस्टम के भरोसे चुप नहीं बैठ सकते, इसके लिए हमें हाइड्रेंट सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रेंट, जैसे हम लोग लोकेशन पे पहुँचते हैं, सबसे पहले वहाँ से होज रिल निकालते हैं। ठीक है, होज रिल निकाल के, ठीक है, फिर उसको नोजल्स कनेक्ट करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं उस नोजल को हिट पकड़ने के बाद में, एक्चुअली उसको कैसे, दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक बंदे उसको पकड़ना डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसका जो पानी का प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा रहता है कि अगर मैं सिंगल पंदा उस लाइन को पकड़ के अगर खड़ा रहूँगा और थ्रो करूँगा पानी, तो मैं वहाँ पे गिर सकता हूँ, इवन मुझे खुद को इंज्योर हो सकता है, इसलिए दो लोगों को हम लोग लेते हैं ताकि उसको हम लोग होल्ड कर सके, क्योंकि वो प्रेशर को एडजस्ट कर सके इसके लिए। ठीक है, फिर उस पानी को ऑन, जैसे हम लोग मेन लाइन से जो आ रहा है राइजर से, उसको ऑन करेंगे और जो पानी निकलता है हम यहाँ पे खड़ा रह के, ठीक है, 15-20 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग एम करके पानी मार सकते हैं और वो पानी बहुत ही हाई प्रेशर में जाता है। सो क्या कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पानी मारने के बाद यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उस आग को, पर्टिकुलर आग को हम लोग क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। ठीक है, ऐसे फायर हाइड्रेंट सिस्टम का काम आता है। तो फायर फाइटिंग के सिस्टम के अंदर दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम ऑटोमेशन में, जब तक आप साइड पे पहुंचो तब तक वहां का अगर सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर 68 के आसपास चला गया है तो स्प्रिंकलर फूट जाएगा और जितना उससे पॉसिबल होता है उतना वो एरिया पानी जो है ना वो कवर करने की कोशिश करेगा। लेकिन हाइड्रेंट सिस्टम हमारा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, ताकि जहां स्प्रिंकलर सिस्टम पहुंच नहीं रहा है, हम इंसान, ठीक है, हम लोग उस पाइप को लेके उतने दूर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं और आग को इतनी ही दूर से हम लोग बुझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, तो ये था स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट सिस्टम के बारे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये होता है पूरे फायर फाइटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, अभी एक कंफ्यूज्ड है हम लोग, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के देता हूँ। हमने बताया फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है, 68 डिग्री जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का आने के बाद में वो ब्लास्ट होता है। ठीक है, ब्लास्ट हो गया, वहाँ से पानी गिर रहा है 3 मीटर रेडियस में, या फिर हाइड्रेंट सिस्टम है जहाँ पे हम मैनुअली पानी लेके, ठीक है, हम उस जगह को जाके को क्या करते हैं, बुझाते हैं। ठीक है, वो सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ इसके अंदर पानी कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आप इस क्वेश्चन को मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर करो, क्योंकि इतना सारा पानी जो है वो कहाँ से आता है। ठीक है, उसके ऊपर आप मुझे डिस्कस करके बताना। ठीक है दोस्तों, तो ये था फायर फाइटिंग सिस्टम के बेसिक्स के बारे में। ठीक है, हम इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उसके अंदर डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम में जो पर्टिकुलर एवरी सिंगल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसके बारे में सीखेंगे, और सेम जाता है फायर स्प्रिंकलर के बारे में। ठीक है, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके अंदर मैंने बोला 68 डिग्री पे ब्लास्ट होता है, या फिर वो जो ट्यूब है वो ब्लास्ट होता है। ठीक है, सिर्फ 68 पे होता है या फिर कहीं और भी, कोई और भी है जो टेम्परेचर को हम लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं, जिसके जैसे हमारे डिजायर रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम इसके डिटेल्स के बारे में सीखेंगे कि फायर स्प्रिंकलर क्या होता है और फायर हाइड्रेंट सिस्टम क्या होता है, उनके कॉम्पोनेंट्स कैसे होते हैं, और इससे और भी जाके हम लोग क्या करेंगे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फायर अलार्म सिस्टम के बारे में, फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में, दोनों के अंदर हम लोग डिफरेंशिएट करके हम सीखेंगे कि उसके आंसर्स कैसे करने हैं और वो कौन से क्या क्या अपने को क्वेश्चंस मिलते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू, नमस्ते।